भारत से सबसे ज्यादा आज क्या एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को? हमारे जवान बच्चे। केजी से हमें उनको उसी इसमें डालना है, माहौल में वही कल्चर देना है कि बेटा तू यही पढ़ना है, तू तो यहां रहना ही नहीं भारत में, तू वहां जाके तू नासा में स्टडी करना है, तू वहां। ये तो हमारा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो एक्सपोर्ट के लिए हम ग्रेप्स बनाते हैं ना, हमारे नासिक में हमारे महाराष्ट्र से ग्रेप्स बहुत जाते हैं, वो केमिकल फ्री होते हैं क्योंकि उसको रेट बहुत अच्छा मिलता है, 200-250 रुपए किलो हमें जर्मनी से मिलते हैं केमिकल वाले अंगूर अपने देश में, ग्रेप्स 60 रुपए किलो वाले। हमारे बच्चों का एजुकेशन ही हमें एक्सपोर्ट के लिए करना है। कौन सी सिस्टम की हम बात करेंगे जब तक ये पैसे से नहीं बदलेंगे? पैसे के पीछे हम क्यों भागते हैं? पैसा जरूरी चीज हो गई है। मैं अभी आते एक पूछ रहा था कि जयपुर इतनी बढ़िया सिटी है, इतने शायद 40-50 लाख की आबादी होगी, यहाँ पानी कहाँ से आता है? तो मुझे बताया गया यहाँ से 100 किलोमीटर एक ये है गैप, इतना पानी कैसा आता है? किसी ने कल आपको बोल दिया कि आपके नल को कल से पानी आने वाला नहीं है, आपकी अभिक्रियाएं क्या होगी? इमीजिएट क्या करोगे आप? पानी भर के रखोगे? कितना भर के रखोगे? अपने अपने फियर क्वेश्चन, डर कितना बड़ा है, अरे कल और मेहमान आएंगे, पानी और चाहिए और चाहिए। किसी ने आपको यह बोल दिया कि आप टैप खोल दो 24 घंटा आपके नल को पानी है, कितना पानी भर के रखोगे आप? आप भारत का हर आदमी पैसे के पीछे इसलिए भाग रहा है कि उसको आश्योरेंस नहीं कल कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज ही अपनी समय भर के रखो। अपना बेटा तो बावला है, उसको तो समझता ही नहीं है, उसके बेटे के लिए हमें भर के रखना पड़ेगा। अरे मैं मर गया तो मेरी बीवी की तो अंगूठा छाप है, उसको तो समझता ही नहीं है, उसके लिए कमा के रखना पड़ेगा। आज हर हम आदमी सिर्फ पैसे के लिए इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे नल को पानी आ रहा है वो बाय चांस आ रहा है, सिस्टम से नहीं आ रहा है। जो पोजिशन में जो है, अगर मैं राजनीति में हूं तो मैं राजनीति का यूज कर रहा हूं, मैं अगर डॉक्टर हूं तो डॉक्टर कर रहा हूं, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ पैसा चूसने के लिए कर रहा हूं। अगर डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूं तो डॉक्टर मेरी बीमारी बाद में पूछेगा, पहली मेरी हालत देखेगी मैं कितना पे कर सकता हूं, उसी हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट मुझे मिलने वाली है, वो बीमारी की तरह से नहीं, मेरी पेइंग कैपेसिटी की तरह से। और ये इतना बड़ा फर्क है, ये नोटाबंदी इसमें छोटे में नहीं है, नोटाबंदी के बहुत रीजन है, वो कमोडिटी बनती है, वो नीचे जग जाती नहीं है, डिस्पैरिटी बढ़ते रहती है। भारत का सबसे संगीन तो था ही सवाल भारत के सामने कि ये दारिद्र्य को कैसे निकाला जाए, दारिद्र्य से भारत को कैसे निकाला जाए, लेकिन उसके आगे का जो सवाल बच गया वो और ज्यादा संगीन हो गया, जिसको पोलैरिटी बोलते हैं, विषमता, आर्थिक विषमता। 10-20-30% लोगों के हाथ में इतना ज्यादा पैसा आ गया, 70% पॉपुलेशन हमारे देश की $2 पर डे कंजम्पशन के नीचे जी रही है आज, $2 पर डे कंजम्पशन, यानी दिन में वो 150 रुपए भी खर्चा नहीं कर सकते, 70% पॉपुलेशन। तो ये 1,500 की 86% वैल्यू किसके लिए थी, किसके लिए थी? किसी अर्थतज्ञ ने इसका जवाब नहीं दिया अभी तक। अगर 70% पॉपुलेशन आपकी $2 पर डे कंजम्पशन के नीचे जी रही है तो 500 और 1000 की नोट 86% वैल्यू की कैसी थी? क्यों हो गया ये? लोग समझ नहीं पा रहे, लोग सिस्टम को समझ नहीं पा रहे। हमारे देश में कोई भी कल्प्रिट नहीं है, सभी विक्टिम है, ना राजनीति वाले कल्प्रिट है ना कोई ब्यूरोक्रेसी, सभी विक्टिम है। राजनीति हमारे देश में जो इलेक्शन पे हम चला रहे हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हम चुन के देते हैं, 70 साल में एक भी सफेद पैसे का प्रावधान हमने किया ही नहीं, बजटरी प्रोविजन है ही नहीं, और हम सब जानते हैं इलेक्शन के लिए इतना खर्चा होता है 8 करोड़ 10 करोड़, कहां से आता है ये पैसा? भारत के लिए कोई नई चीज नहीं, सब लोग जानते हैं, समझ नहीं पा रहे, जान तो रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो ब्लैक मनी से ही हमारी पॉलिटिक्स और हमारी पॉलिसीज आ रही है, तो हम क्या बदलाव की बात करेंगे? कैसा हो जाएगा ये बदलाव? हमारे देश की जरूरत है, उतना पैसा देश में तैयार नहीं हो रहा है। सरकार जब होती है, सरकार की खुद की आय होती है, जिसको टैक्स बोलते हैं, कर प्रणाली से सरकार खुद की आय लेती है,
जब उसको टैक्स से पैसा नहीं मिलता है पूरा पैसा, तो सरकार जैसे एफडीआई लाती है वैसे नोट भी छपवाती है, जिसको सिग्नोरेज बोलते हैं। 3 रुपए में सरकार भी उतनी वैल्यू क्रिएट करती है 1,000 रुपए की, क्योंकि 3 रुपए में 1,000 रुपए की और कौन कर सकता है, कौन सा बिजनेस है ऐसा। और जो भारत ये नोट बना सकता है वो पाकिस्तान क्या भारत की नोट नहीं बना सकता है क्या? वो तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है ना, वो हाईटेक नहीं है, हाई सेंस प्रोडक्ट है। करेंसी नोट हाईटेक नहीं है, हाई सेंस प्रोडक्ट होती है। वहां की गवर्नमेंट ये नोट प्रिंट करती है। अफगानिस्तान से चरस गांजा बन जाता है, पाकिस्तान के जाली नोट के माध्यम से हमारे पंजाब की युवा तक आती है नोट, गांजा चरस अफीम चरस 50% तक युवा आदि हो जाता है उसका, हमारे बच्चे हमारे सामने हाथ से निकल जाते हैं। इसके कोई फुटप्रिंट नहीं रहते, पुलिस की गाड़ियों में चलता है, क्योंकि वो नोटों में क्या खरीदा नहीं जा सकता। आज पॉलिटिकल लीडरशिप खरीदा नहीं जा सकती नोटों पे, पुलिस खरीदा नहीं जा सकता, मीडिया नहीं खरीदा जा सकता। ये नोटों की ताकत इतनी बड़ी हो गई है ना, जब तक हम इसको नहीं रोक लगाएंगे तब तक नहीं बदलेगा।